देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास 8 मॉड्यूलर का बोर्ड है और आप देख सकते हैं यहाँ पे दो हमारे पास 5 पिन है, 3 स्विच है और एक हमारा फैन रेगुलेटर है। तो इसी के ऊपर में जो है वीडियो होने वाला है, कनेक्शन के ऊपर में, ठीक है। तो कनेक्शन को देखेंगे हम लोग और वायरिंग को सीखेंगे। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, याद से अभी ही कर लीजिए ताकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं लास्ट में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कनेक्शन को करते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, हम यहाँ पे इस तरह से वायर लेंगे एक, ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे, चलिए दोस्तों यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारा फेज वायर का जो है कनेक्शन हो रहा है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब चलिए दोस्तों, यहाँ से जो है आपस में जो दोनों सॉकेट है हमारा उसको पेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने वायर लिया और इस वायर को भी यहाँ पे टाइट कर लेते हैं इसको। तो आप भी जो है इस तरह से कर सकते हो, लाइन में हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं जो है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप उसी प्रकार से करिएगा, तो कभी भी वायरिंग में जो है आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो हमारा एक हो गया। अब चलिए दूसरा जो है उसको भी हम कनेक्ट कर लेंगे सॉकेट को यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पर लाइन जो है लाइन में हम कनेक्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों, जो हमारा फेज वायर का जो वायरिंग था वो हो गया। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जो फैन के लिए, उसके लिए भी चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फैन का जो कनेक्शन हो रहा है दोस्तों वो नया तरीका से हो रहा है जो, ठीक है। यहाँ पे जो टेप वाला कनेक्शन है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप भी देख लीजिए, और एक वायर को जो है यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा न्यूट्रल है उसके लिए हम कनेक्ट करेंगे। तो न्यूट्रल के लिए चलिए यहाँ पे इस ब्लू कलर वायर को कनेक्ट कर देते हैं। कलर आपके पास जो भी हो दोस्तों अवेलेबल वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। कलर से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो है लाइन और न्यूट्रल को देखते हुए आप करिएगा, तो आपको जो कलर से कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है हम मेन वायर को कनेक्ट करेंगे, चलिए उसको भी कनेक्ट करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने रेड और येलो कर ले लिया। येलो को जो है हम न्यूट्रल में करेंगे कनेक्ट। आप चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, दोनों जगह से कहीं भी आप इसमें जो है लगा सकते हो। तो चलिए, फ़िलहाल मेरा यहीं पे लूज है, यहीं पे जो है मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ और जो हमारा फेज वायर होगा वो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों, ये हमारा हो गया, ठीक है। देख सकते हो अर्थ का वायर आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने सेम कलर का जो है अर्थ का वायर देख सकते हो यहाँ पे, इस तरह से आप सॉकेट में लगा सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप इसमें लगा दीजिएगा। तो ये है जो है हमारा कनेक्शन हो गया। और यहाँ पे जो हमारा फैन का जो वायर आता है पॉजिटिव, वो आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। और ये हमारा जो है बोर्ड का वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है दोस्तों, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफ पोजीशन पे हमारा रेगुलेटर, ठीक है। इसको जब आप ऑन करिएगा और यहाँ से स्विच को ऑन करिएगा तो आपका फैन ऑन हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ से जितना भी स्पीड आप चाहते हो उतना पे आप सेट कर सकते हो। अगर ये ऑफ रहेगा तो यहाँ पे ऑन भी कर दीजिएगा तो आपका फ़ैन चालू नहीं होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये कनेक्शन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और नए वायरिंग कनेक्शन के साथ।